अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी को लेकर पारस छाबड़ा लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आप सब जानते हैं घर से बाहर आने के बाद पारस की एक मुलाकात भी फिलहाल अब तक आकांक्षा पुरी के साथ नहीं हुई है। घर से बाहर आने के बाद भी पारस छाबड़ा ने फिलहाल एक स्टेटमेंट भी आकांक्षा पुरी के बारे में नहीं दिया है, ना ही आकांक्षा से उनकी मुलाकात हुई है। और इन सबके बाद इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं क्या कुछ ड्रामा यहां पर हो गया है। एक लाइव वीडियो में पारस छाबड़ा का फूटा है गुस्सा और पारस ने आकांक्षा के बारे में काफी कुछ नेगेटिव कह दिया है। पारस छाबड़ा कहते हैं, मुझे नहीं पता आकांक्षा ने मेरी पर्सनल डिटेल्स बाहर क्यों की। अगर वो सच में मुझसे प्यार करती तो इन सब के बारे में मीडिया से जाकर कुछ नहीं कहती। आकांक्षा की वजह से मुझे काफी कुछ झेलना पड़ा है। आकांक्षा की वजह से मेरी लड़ाई सलमान सर से भी हुई, मैंने उनकी भी डिसरिस्पेक्ट की और अब मैं आकांक्षा के साथ अपना फ्यूचर नहीं देखता। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, शादी की तैयारियों के बीच पारस छाबड़ा ने कह दिया है, मैं अब उसके साथ रिलेशनशिप में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। पारस कहते हैं, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अब भी बात कर रहा हूं कि मुझे आकांक्षा के साथ अपना फ्यूचर नहीं दिखता और अब उस पछड़े में मुझे दोबारा नहीं पड़ना है। वेल, देखना होगा किस मोड़ पर ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी जाती है। अभी आकांक्षा को लेकर इस तरह की बातें पारस छाबड़ा ने कही है। उन्होंने कहा है कि आकांक्षा के चैप्टर को मैं मिलकर बंद करूंगा। आकांक्षा पूरी इस पर क्या रिएक्शन देती है, देखना होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।